हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज को हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे पहले तो 6 और 6 साइज में रो के कॉलम्स को डिवाइड कर लिया था। फिर फर्दर ये जो 6 वाला कॉलम था उसको मैंने 1 और 10 के फॉर्म में डिवाइड कर लिया था। 1 में हमारा ये आइकॉन है एंड 10 में हमारा ये थ्योरेटिकल कंटेंट है, ठीक है। एंड ऑफसेट 1 कर दिया था तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया सबसे पहले। तो यहाँ पे अब हमें डिटेल को चेंज करना है, मुझे यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गिव मी अ रिंग, ठीक है, गिव अस अ रिंग लिख दिया, ठीक है। मतलब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, एंड कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। ठीक कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद मैंने आपने सिटी का नाम दे दिया। ओके, रिफ्रेश किया तो ये इस तरीके से आ गया। जो भी आपको डेटा अपना देना हो आप दे सकते हैं। अब हमें एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। एंड इसका कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉन्ट वेट लाइट किया है, आइकॉन चेंज करना हो तो आइकॉन तो चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आइकॉन हम चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। आप देख रहे हो ऊपर मैंने एक आइकॉन दिया है, यहाँ पे नीचे भी एक आइकॉन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइकॉन की क्लास चेंज कर देता हूँ, तो FS FA- फोन लिख दिया, FS FA- फोन वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे भी हमारे पास एक आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आइकॉन हमारे पास आ गया। एंड कलर चेंज करना हो तो कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके का कलर आ गया। एंड अब हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना है इसमें, तो आप देखो ये हमारा जो रो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड जो नेक्स्ट वाला 6 का कॉलम है वो यहाँ पे है। तो इसके अंदर हमें एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म टेक को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्म को क्लोज कर दिया, एंड यहाँ पे हम मेथड यूज़ कर लेंगे फॉर्म का, पोस्ट। एंड फॉर्म के अंदर आप हमेशा क्या दोगे, CSRF टोकन दोगे जेंगो में। तो हम लिखेंगे CSRF_टोकन, एंड उसके बाद हम यहाँ पे जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, हम डिव का यूज़ कर लेते हैं। एंड डिव में हम क्लास दे देंगे फॉर्म रो, एंड इसके अंदर हम कॉलम का यूज़, ठीक है, फॉर्म फॉर्म रो दे दिया, एंड इसके अंदर फॉर्म ग्रुप का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा फॉर्म ग्रुप, एंड उसके बाद मैंने साइज बता दिया, कॉलम लार्ज में मुझे कितना चाहिए, 6। एंड जब ये स्मॉल हो जाएगा तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जब मीडियम रहेगा और स्मॉल रहेगा तो हम इसका साइज 12 दिखाना चाहते हैं, ओके। देन आफ्टर फॉर्म ग्रुप के अंदर आप क्या दोगे, जो भी आपको लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाना हो तो वो आप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने लेबल ओपन किया, लेबल को क्लोज किया, एंड यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है। यूज़र से हम उसका पूरा नाम एंटर करवाना चाहते हैं, नेम या फिर फुल नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ फुल नेम लिख दिया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हमने नेम दे दिया फुल नेम, एंड क्लास दे दी फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। प्लेस होल्डर आप दे सकते हैं, तो प्लेस होल्डर दे दिया, प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया फुल नेम,
ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो कुछ इस तरीके का ये आ गया। ठीक है, तो मैंने हमारे पास ये क्या है, 6 है, एंड 6 के अंदर भी हमारे पास फर्दर क्या है, पूरा 12 साइज है। ठीक है, इस 6 कॉलम में फर्दर हमारे पास पूरा 12 साइज है, तो 6 में मैंने रख दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया जिसमें हमने नाम एंटर करवा दिया, एंड इसी तरह एक और 6 का बना लेंगे जिसमें हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करवा लेंगे। तो फिर से मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे फुल नेम की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट लिख दिया, एंड नाम में इसका चेंज कर देता हूँ, सॉरी टाइप तो टेक्स्ट ही रख देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, नाम कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लास लगा दी फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, देन आफ्टर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो ये 6 के साइज में आ गया। इसी तरह बाकी जो इन्फॉर्मेशन लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में यूज़र का ईमेल आईडी लेना चाहता हूँ, सब्जेक्ट एंड मैसेज, ये कुछ फील्ड्स हम बनाना चाहते हैं जैसा कि हमने मॉडल्स में दिया था। ठीक है, हमें ईमेल आईडी लेना है, सब्जेक्ट लेना है, मैसेज लेना है। मैसेज डेट तो हम अपने आप प्रोवाइड कर देंगे जब डेटा इंसर्ट करेंगे, एंड यहाँ पे भी हमें डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हम बैकएंड के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं कॉन्टैक्ट के बाद, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड एक और फॉर्म ग्रुप बना लेता हूँ, एंड कॉन्टैक्ट के बाद हम ले लेते हैं ईमेल आईडी, एंड ईमेल आईडी के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, एंड नेम हम चेंज कर देते हैं, नेम में मैंने लिख दिया ईमेल, प्लेस होल्डर भी मैं चेंज कर देता हूँ, प्लेस होल्डर में मैंने लिखा ईमेल आईडी। ठीक है, सिमिलरली इसी के नीचे एक और कॉलम, एंड ईमेल आईडी के बाद हम ले लेते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो क्वेरी आप पूछ रहे हो किससे रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा कुछ आप सब्जेक्ट में प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो दो फील्ड हमारे पास और आ चुकी हैं, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, देन आफ्टर हम यूज़र से मैसेज एंटर करवाएंगे। तो मैसेज तो साइज मैसेज का ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको मैं पूरा 12 साइज का कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये लार्ज में भी 12 रहेगा, मीडियम में भी 12 और स्मॉल में भी 12, एंड यहाँ पे इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने इनपुट टाइप की जगह क्या यूज़ कर लिया, टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लिया, नाम इसका दे दिया मैसेज, ठीक है, लेबल में भी मैं लिख दूंगा मैसेज। एंड लास्ट में हमने टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर लिया, प्लेस होल्डर में हमने लिखा मैसेज, ठीक है, एंड देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। इसके नीचे हमें दो बटन बनाने हैं। ठीक है, तो फिर से मैं ऐसा ही एक फॉर्म ग्रुप यूज़ कर लेता हूँ, एंड एक इसके अंदर लेबल ना लगाते हुए केवल सबमिट का बटन बना लेता हूँ। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, एंड वैल्यू मैंने दे दिया सेंड। ठीक है, नाम की तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने वैल्यू का यूज़ कर लिया। ठीक है, मतलब बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंड, एंड क्लास मैंने यूज़ कर ली, फॉर्म कंट्रोल को ना यूज़, फॉर्म कंट्रोल भी यूज़ कर लेते हैं, एंड उसके अलावा यहाँ पे लिखा बटन, बटन प्राइमरी। ठीक है, मतलब बटन का कैसा कलर देना है, तो बटन प्राइमरी कर दिया, एंड प्लेस होल्डर यहाँ पे हम नहीं देते हैं बटन में, तो प्लेस होल्डर को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया।
एंड एक और बटन हम दे देंगे क्लियर करने का। अगर हमने फॉर्म को फिल किया है, अब हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो एक रीसेट का बटन बना देंगे, एक हमारा सबमिट का बटन हो गया और एक रीसेट का बटन हो जाएगा। ठीक है, जब हम इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट करते हैं तो ये फॉर्म को रीसेट कर देता है, मतलब क्लियर कर देता है, फॉर्म जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर एंड बटन कंट्रोल, बटन प्राइमरी ही लगा देते हैं, फॉर्म कंट्रोल दे देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ओके, तो अभी ये परफेक्ट है। ठीक है, मैं कुछ फिल करके देखता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से क्लियर भी कर सकता हूँ एंड सेंड करेंगे तो हमें ये डेटा पहले तो रिसीव करना पड़ेगा बैकएंड में एंड उसको डेटाबेस में स्टोर करवाना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स इतना हमारा वर्क हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टैक्ट का बैकएंड वाला पार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।